निकिता सरीन इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़ गई हैं। निकिता, सेकंड लिस्ट को लेकर किस तरह की और चर्चाएं चल रही हैं? कौन कौन से वो नाम जिनका पत्ता कट सकता है, जिनका टिकट कट सकता है, और नए नाम कौन से हो सकते हैं दूसरी लिस्ट में? देखिए, उत्तर प्रदेश की बची हुई 24 लोकसभा सीटों की लिस्ट जल्द जारी होगी और पहली लिस्ट में अब तक जो 51 कैंडिडेट्स हैं उनकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। वहीं 5 सीट पर सहयोगी दलों को दे चुकी है और इनमें 2 अपना दल है, 2 RLD और 1 सुभाषपा को दी गई है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से भारतीय जनता पार्टी की अगली लिस्ट चौंकाने वाली हो सकती है। इसमें कई बड़े नाम गायब हो सकते हैं और जिन सीटों पर चर्चा होगी उसमें पीलीभीत से वरुण गांधी या सुल्तानपुर से मेनका गांधी की सीट है और साथ ही कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह की सीट है। मेरठ से अगर बात की जाए तो राजेंद्र अग्रवाल और कानपुर से सत्यदेव पचौरी की सीट भी शामिल है। सूत्रों के हिसाब से जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें गाजियाबाद से राष्ट्रीय महामंत्री है अरुण सिंह और मेरठ से कुमार विश्वास है। अगर सपा की बात करें तो उनसे नाराज होकर राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले मनोज पांडे को भी टिकट दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। और बाराबंकी से अब उपेंद्र रावत की जगह वैजनाथ रावत का नाम चर्चा में है और सूत्र ये भी कह रहे हैं कि जहां उम्र दराज या 75+ के जो प्रत्याशी हैं उनका नाम भी कटा जाएगा और जितने भी नाम है नहीं फिलहाल उसके पहले के नाम नहीं काटे जाएंगे। और ये आखिरी चरण वाली जिया रायबरेली जैसी VIP सीट की बात करें तो उस पर भी बाद में जो प्रत्याशी है वो फिलहाल घोषित किए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो रिमेनिंग कैंडिडेट लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की जो जारी होगी वो काफी चौंकाने वाली हो सकती है, जिसमें खराब परफॉर्मेंस के साथ साथ 75+ कैंडिडेट का नाम भी कट सकता है। बिल्कुल, तो देखिए लिस्ट पर निगाहें टिकी हुई हैं। दूसरी लिस्ट बीजेपी की आ जा सकती है। निकिता ने बताया कि किन किन सीटों पर मौजूदा जो सिटिंग MPs हैं उनके टिकट कट सकते हैं, नए चेहरों को भी जगह दी जा सकती है। पहली लिस्ट में हमने देखा था निकिता की तमाम समीकरणों का भी ध्यान रखा गया था, ऐसे में दूसरी लिस्ट में भी क्या कुछ इसी तरह के समीकरण नजर आने वाले हैं? महिलाओं को क्या उत्तर प्रदेश में खासतौर पर चूंकि सबसे बड़ा सूबा है, ऐसे में जो बची हुई सीटें हैं उन पर क्या महिलाओं को भी तरजीह मिल सकती है? देखिए, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन ऑलरेडी जारी हो गया था 33% का, लेकिन फिलहाल अभी लोकसभा सीट में ये जो संख्या है वो कब बढ़ती है ये जब आएगी भारतीय जनता पार्टी की जो रिमेनिंग 24 कैंडिडेट की लिस्ट है उसमें जितनी भी चीजें हैं वो क्लियर आउट हो जाएंगी। लेकिन अभी ऐसा फिलहाल माना जा रहा है, ऐसी भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि मेनका और वरुण गांधी में किसी एक को ही टिकट मिल सकता है, दोनों को टिकट कंफर्म नहीं होगा। तो जो सेकेंड सीट है, सेकेंड लिस्ट है अंजलि, वो कहीं ना कहीं जरूर चौंकाने वाली हो सकती है, जिसमें कुमार विश्वास और मनोज पांडे जैसे नेम जो दिग्गज नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, क्रॉस वोटिंग की थी जिन्होंने, उनको भी इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट दे सकती है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के। तो अब हमें इंतजार करना होगा, फिलहाल सूत्र बहुत कुछ कह रहे हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये जो लिस्ट आउट फाइनल होगी उसमें सब कुछ खुलासे हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए बड़ा नाम जो सरप्राइजिंग रह सकता है वो मनोज पांडे का है, जो कि हाल ही में समाजवादी पार्टी से राहें अलग करके बीजेपी के साथ आए हैं। साथ ही साथ मेरठ से कुमार विश्वास का नाम, जैसा कि निकिता बता रही हैं। इन दो नामों के अलावा आप और कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो सरप्राइजिंग हो सकते हैं? रायबरेली से मनोज पांडे की बात चल रही है, अमेठी से स्मृति ईरानी पहले ही पार्टी ऐलान कर चुकी है, और कौन कौन सी इंटरेस्टिंग सीट्स रहने वाली है निकिता? बार इसमें कई नाम गायब भी हो सकते हैं अंजलि, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, मैंने जिस तरह से बात की है पीलीभीत से वरुण गांधी या सुल्तानपुर से मेनका गांधी की सीट हो सकती है, साथ ही कैसरगंज से जिस तरह से मैंने बताया बृजभूषण शरण सिंह की सीट है, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल और कानपुर से सत्यमेव पचौरी की सीट भी इसमें शामिल हो सकती है। और सूत्रों के हवाले से कई बड़े नाम है, गाजियाबाद से राष्ट्रीय महामंत्री जिस तरीके से मैंने अरुण सिंह का नाम बताया है, मेरठ से इस बार कुमार विश्वास का नाम शामिल हो सकता है और मनोज पांडे को जो टिकट है जिस तरह से मैंने बताया उसको भी देने पर बात बन सकती है इस बार। वहीं बाराबंकी से अब उपेंद्र रावत की जगह बैजनाथ रावत का नाम फिलहाल चर्चा में है, उपेंद्र की सीट को थोड़ा मझधार में लग रही है और सूत्र ये भी कह रहे हैं जिस तरह से 75+ का मैंने एक फंडा बताया है उसमें टिकट काट सकती है और आखिरी चरण में या रायबरेली जैसी VIP सीट के बाद में जो प्रत्याशी है वो भी फिलहाल जो उसका भी नाम क्लियर आउट या अनाउंस किया जा सकता है। चलिए ठीक है निकिता, बनी रहिए, अगली खबर पर भी लेंगे।